नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात कर रहे हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर जेई जो एग्ज़ाम हुआ 22 जनवरी को, और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे और किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न था, तो उसकी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम आज एसएससी जेई की क्वेश्चन की बात करेंगे जो 22 जनवरी 2018 को हुआ। तो देखते हैं इसका क्या था पैटर्न दोस्तों। तो ये रहा पैटर्न हमारा जो जनरल था ही, मतलब जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस 50-50 मार्क्स के और 50-50 क्वेश्चंस के साथ आए गए। जो जो इनका रूल था वही है। और अगर बात करें तो आपका जनरल जो इंजीनियरिंग पेपर था आपका, जो जिससे आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, टेक्निकल पेपर जिसको बोलते हैं, वो है पूरा 100 मार्क्स का। तो ये था मतलब टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अगर आप सिविल के होंगे तो सिविल 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल के तो 100 या मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स के। तो यह था जनरल पैटर्न। और हम बात करें क्वेश्चंस जो पूछे गए, तो यह देखते हैं क्या क्या जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस थे। ये थे कुछ, इससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का प्रिपरेशन होने वाला है और किस तरह आने वाले एग्ज़ाम में हम एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो जो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन था ये रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया हु वन द डेविस कप 2017 में, तो उसने फ्रांस जीता था बेल्जियम को हरा के। तो ये फ्रांस होगा आंसर आपका, और ये मैंने इसलिए लिख दिया बेल्जियम, वैसे आंसर फ्रांस ही होगा। डेविस कप्स के विजेता जिन्होंने बेल्जियम को हराया था। तो ये था एक जी का क्वेश्चन। इस तरह के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं पिछले साल के, इसलिए आप पूरा जो 2017 में स्पोर्ट्स हुए हैं, विनिंग टीम और लूजिंग टीम दोनों को अब याद कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर वो देखें, विच कंट्री विल होस्ट ओलंपिक्स 2028, तो वो होगा लॉस एंजलिस। देखिए एक दो आपको स्पोर्ट्स से मिल गए, जो 2000 आने आगे पिछले और आने वाले स्पोर्ट्स, जो समर ओलंपिक्स या कोई भी ओलंपिक्स हो, इसकी भी जानकारी अब होनी चाहिए, वो पूछेगा ही आपसे किसी ना किसी सेट में। अगले क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, ये आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का है। तो कॉन्वेक्स आप जानते होंगे, कॉन्वेक्स क्या होता है, जिस तरह से ये होता है, ये देखिए, ये अगर ये रिफ्लेक्शन इधर से होता है, ये है कॉन्केव। और अगर कॉन्केव की बात करें तो इधर कॉन्वेक्स ये होता है, इधर से रिफ्लेक्शन आपका होगा रेज का, इसे बोलते हैं ये कॉन्केव ऊपर वाला और नीचे कॉन्वेक्स। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया में आप नियर वर्ल्ड मतलब सामने वाली चीज़ों को नहीं जा देख पाते हैं, उसको मायोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया वही फार साइड मतलब दूर उसकी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कई इंस्ट्रूमेंट है करंट डिटेक्शन का, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो एमपी होगा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाला। हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, फोर हार्ट, फोर चैम्बर्स होते हैं। आपने याद किया होगा फोर चैम्बर होते हैं हार्ट के, तो फोर चैम्बर मैं आपको बता दूं फिर से, फोर चैम्बर जो होगा हार्ट के होते हैं ह्यूमन के। व्हाट कंडीशन, इसे आपको ये आइडिया हो गया फोर चैम्बर हार्ट, मतलब बायोलॉजिस्ट क्वेश्चन पूछा, तो आपको बर्ड रेप्टाइल्स ये सारे की याद करने होने होंगे ताकि आगे आपको एग्ज़ाम में सही हो। एक ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ह्यूंग सैंग जो चाइनीज ट्रेवलर थे इंडिया, किस मतलब कब विजिट किए थे, वो थे 6th सेंचुरी में ही विजिट किए थे। ये थोड़ा हिस्ट्री का डीप क्वेश्चन है। आगे ये क्वेश्चन देखेंगे हम जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पूछा गया है, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल से बेसिक ही पूछा गया है। मैक्सिमम 80% क्वेश्चन जो थे वो थे टेक्निकल के, तो आप देख सकते हैं 80% क्वेश्चन जो है हमारा टेक्निकल क्वेश्चन है। 80% क्वेश्चन जो हमारा टेक्निकल का है देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पैसा बेसिक जो क्वेश्चन था, व्हाट डू मीन बाय शेयरिंग ब्रिज, व्हाट इज़ द आइडियल कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर का आप जानते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका, जब बराबर हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के या लोड के, RE, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर कंडीशन। ये आपका पूरा थियोरिटिकल मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। डेफिनेशन ऑफ सुपर पोजिशन थियोरम का, इसमें चार ऑप्शन होंगे, आपको उसी हिसाब से मारना है। और देखिए व्हाट इज यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल बच्चों के लिए, हर एक बार पूछा जाता है। इसको आप एम्पियर टर्न भी बोलते हैं, इसका एम्पियर टर्न, या तो रिलक्टेंस को आप ऑप्शन अगर अलग रहा तो शायद टेस्ला बोलते हैं या वेवर फ्लक्स, तो ये आप देख लीजिएगा। एम्पियर टर्न एक ऑप्शन रहा तो 100% एम्पियर टर्न होगा। फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो आपको सर्किट दिया होगा, सर्किट दिया होगा तो आप उसमें
आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, सीरीज में रहने से आपको ऐड करना होता है आपको पता होगा, और पैरेलल में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आपको रेजिस्टेंस निकालने आता होगा आपको। फिर से यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आइडियल मैक्सिमम पावर, ये सब हो गए सारे क्वेश्चंस। तो ये था दोस्तों, और भी जानकारी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलिए, ताकि और भी अपडेट मैं आपको देता रहूँ इस प्रकार के। धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।